लांबा मुकेश ब्लॉग में फिर से स्वागत है। जैसा कि थोड़े पहले आप वीडियो देखें और फिर से हम लोग वीडियो बनाना शुरू किया है डेंची बोरिंग का, और ये अपना बोरिंग हो रहा है। और ये पाइप जा रहा है अपना, काफ़ी मेहनत पड़ा है यहाँ पर, बड़ा बड़ा पत्थर था, नहीं तो हमारा बोरिंग अभी तक कंप्लीट हो जाता। इस पत्थर के चलते समय का वेस्टेज हुआ हम लोग का। तो ये काम चल रहा है, तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर ढेकी के द्वारा जा रहा है पाइप, और काफ़ी यहाँ पर दोस्तों मेहनती पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि पत्थर के चलते हम लोग को थोड़ा सा खटनी ज़्यादा पड़ जाता है। आपको बार बार बोलते हैं दोस्तों, कोई भी काम के लिए, प्लम्बर काम के लिए हमसे संपर्क कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा प्लम्बर मुकेश ब्लॉक्स में सारा नंबर का डिटेल्स दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, राय सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कीजिए। बोरिंग के लिए घर के डायवेटर, बॉडी जेट सावर, किसी भी काम के लिए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मुकेश जी भीतर पकड़े हुए हैं, और स्टाफ जो है वो ड्यूटी चला रहे हैं। बस ये दोस्तों हमारा यहाँ पर काम घंटा भर का और है, और हमको यहाँ पर आपको हम वीडियो नहीं छोड़ेंगे पानी निकालने के बाद में। तब तक आप देख ही रहे हैं कैसे काम हो रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, संपर्क कीजिए 7679828604 नंबर। फिर से मैं बोल रहा हूँ 7679828604 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कीजिए अपने घर के काम के लिए, आस पड़ोस के लिए। काम का गारंटी हम लोग देते हैं, उसके बाद हम लोग पैसे लेते हैं। हम लोग जब तक कौंसिल का काम नहीं करते हैं तब तक पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। टोटल काम करने के बाद में पार्टी को समझाने बुझाने के बाद में हम लोग पेमेंट देते हैं। तो आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा कस्टमर है, कोई पार्टी है, भाई है, दोस्त है, बहन है, माँ है, पिताजी है, तो हमसे संपर्क कीजिए काम के बारे में, और हमसे बात कीजिए, सलाह लीजिए, काम करवाइए, नहीं करवाइए कोई बात नहीं है, लेकिन सलाह ले सकते हैं आप। उसके लिए हम लोग फ्री सर्विस देते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कैसे काम करना है, नहीं करना है। तो जैसे देख रहे हैं हमारा ये चला गया है, 30 फीट हम लोग पार कर चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर हम अंत करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको हम छोड़ते हैं जब हम लोग पानी निकालेंगे तब। तब तक के लिए जय श्री राम।